हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ। और आपकी वर्कशीट की हेडिंग है सूक्ष्मजीव किण्वन। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आज पिंकी का जन्मदिन है। जन्मदिन पर उसके दादाजी और उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बनाई। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको भी बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए, हो सके तो घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। ऐसे ही पिंकी की मम्मी ने किया कि उसने छोले भटूरे बाहर से ना मंगवा कर अपने घर पर ही बनाने की योजना बनाई। आगे देखो क्या लिखा है। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और दो चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंद कर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ देर बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद चीज़ खाने को मिल गई। ठीक है बच्चों, उसकी मम्मी ने क्या किया, थोड़ा सा मैदा लिया, मैदे में क्या क्या डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, गर्म पानी डाला और 2 चुटकी यीस्ट मिलाकर आटे को गूंद कर 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब पिंकी ने देखा तो वो बहुत खुश हुई कि उसकी जो मनपसंद चीज़ है वो खाने के लिए बन रही है। ठीक है ना, अब उसे उसकी मनपसंद चीज़ खाने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंस कर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इस तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा में अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट में आज ये दिया गया है कि किण्वन किस तरह से, यानी कि खमीर किस तरह से मैदे में उठाया जाता है जिससे कि वो फूल जाता है, और इससे ब्रेड, केक, पेस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें यीस्ट डालकर खमीर करके उसमें पैदा वो बनाई जाती है। ठीक है ना, तो बच्चों जलेबी भी इसी तरह बनाई जाती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम मैदा में थोड़ा सा यीस्ट मिलाकर और उसे फुला देते हैं और उसके बाद वो खाना तैयार हो जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको आंसर वर्कशीट में ही बता दिया है। यहाँ से स्टार्ट है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है नीचे, किण्वन प्रक्रिया द्वारा किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। देखो बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि खमीर उठा करके, यीस्ट डाल करके क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। देखो सर्कल किया हुआ है मैंने सेकंड क्वेश्चन, छोले भटूरे, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, 4 चीज़ें ही होगी। एक डोसा लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको और अलग करना है तो आप जलेबी भी लिख सकते हो। जलेबी भी इसी प्रक्रिया से बनाई जाती है। ओके बच्चों, आटे को फुला कर। ठीक, अगला क्वेश्चन है थर्ड, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक ही वर्ड का आंसर है। आप इसे पूरी लाइन का आंसर बना सकते हो। जैसे कौन सा लिखा है ना, यहाँ पर लिख सकते हो यीस्ट सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। ठीक है, यह है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, तो मैंने लिखा ब्रेड, केक, पेस्ट्री। ठीक है ना, आप जलेबी लिख सकते हो, डोसा, इडली, इनमें से 2 ही चीज़ के नाम पे लिखते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि यीस्ट डालने के कारण आटे में खमीर उठ जाता है और वो फूल जाता है।
तो उसको लिखेंगे कैसे आंसर को? आंसर नंबर 5 है, आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंस कर उसे फुला दिया। तो 5th क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके आसान से वर्कशीट के आसान से क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।